वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत लोगों के द्वारा ऐसा पूछा जाता है कि वकील की कमाई कितनी होती है। तो आज हम लोग संक्षिप्त में एवं विस्तृत रूप में जानेंगे कि वकील की कमाई कितनी होती है और वो कमाई कब से शुरू होती है, क्या कोर्ट आने के तुरंत बाद उसकी कमाई शुरू हो जाती है। इन सभी बातों को हम जो हम खुद अनुभव किए हैं उसको आपके सामने शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जो भी अच्छा अच्छा ज्ञानवर्धक टॉपिक होता है मैं उसके वो आपके सामने लाता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, LLB कंप्लीट करने के बाद जब स्टेट बार काउंसिल में आप इनरोल करते हैं और लाइसेंस लेके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं या फिर जहां भी जाते हैं आप, तो किसी न किसी सीनियर के अंदर आपको जाते हैं। अगर आप स्वतंत्र प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू हैव ओपन चॉइस, देर इज नो प्रॉब्लम, बट किसी न किसी के अंडर में हमने 95% लोगों को जाते देखा है। जब उसमें आप जाते हैं तो कोर्ट में जब आपका पहला दिन होता है तो कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है, कोर्ट का जो एक स्टैंडर्ड होता है, कोर्ट का जो एक लेवल होता है, कानून की जो एक भाषा होती है, कानून की जो एक शब्दावली होती है, उसका अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर उस समय तक नहीं हो पाता है। तो स्टार्टिंग जो समय होता है 5 दिन 10 दिन 15 दिन का जो समय होता है, ये समय बहुत ही संघर्षपूर्ण समय होता है। इसमें आपको केवल और केवल स्ट्रगल करना पड़ता है और आप समझ सकते हैं कि सुबह में गए और शाम में वापस आए और आपको एक भी रुपया नहीं हुआ तो आप क्या फील करेंगे। उस स्थिति को आपको झेलना पड़ेगा। तो जब कभी आप जाएँ तो इसका जो है शुरुआत में अर्निंग पे फोकस नहीं करके आप कोर्ट की प्रक्रिया को समझने का कोशिश करें, लॉ का जो शब्दावली है उस पर आप पकड़ बनाएं, केस का जो अंडरस्टैंडिंग है, केस का जो फॉर्मेट है उसको आप समझने का कोशिश करें। ये आपको जो है ऐसा बीजारोपण करेगा आपके अंदर कि वो जब फलीभूत होगा तो आप बैठे रहेंगे और अर्निंग होता रहेगा। दोस्तों, इसकी एक प्रक्रिया है कि हार्ड लेबर नो मनी। स्टार्टिंग 6 महीना तक आप जो है अर्निंग के बारे में अगर आप नहीं सोचते हैं तो 6 महीने के बाद का जो समय आएगा वो आपको लेबर कम करेगा, अर्निंग को अप करेगा, ठीक है। तो हार्ड लेबर नो मनी, ये है पहला रूल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। दूसरा है सम लेबर सम मनी, यानी उसके बाद आपका जो लेबर है यानी हार्ड वर्किंग है वो थोड़ा घट जाता है और अर्निंग थोड़ा इम्प्रूव करता है, तो फिर आपके अंदर एक साहस पैदा होती है। लेकिन इस समय तक का जो समय कटता है वो अगर आपके अंदर संयम नहीं है तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मैंने देखा है कि जब आप कोर्ट में इन करेंगे तो बहुत ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम 10 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 12 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 20 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका अर्निंग 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, 0। इस स्थिति को आप जब देखते हैं तो आप डीमोटिवेटेड होते हैं, आपका आत्मबल टूटता है। इससे बेटर है हमको उस सब पर ध्यान ही नहीं देना है। हम जिस उद्देश्य से गए हैं वो उद्देश्य का हम सबसे बड़ा, अगर बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, CRPC की जानकारी होनी चाहिए, IPC की जानकारी होनी चाहिए, एविडेंस एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, फैमिली लॉ की जानकारी होनी चाहिए, CPC की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से कोर्ट की संपूर्ण प्रक्रिया को जब आप जान लेते हैं, चाहे किसी भी सीनियर के अंदर हैं, सीनियर कैसे बहस करते हैं उसको आप फॉलो करते हैं, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ में महारत हासिल करने लगते हैं। इसके बाद जब कभी आपके सीनियर जाते हैं बहस के लिए तो आप भी वहां खड़ा होकर सुन सकते हैं, ठीक है। जब कोई केस फाइल होता है तो फाइल का जो फॉर्मेट होता है, कैसे केस को सेट किया जाता है, कैसे धारा को सेट किया जाता है, किस तरह गवाही होती है, इन सारी बातों को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमको अर्निंग होना चाहिए। अर्निंग क्यों होना चाहिए, जब वहाँ आप किसी का काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तब ना अर्निंग होना चाहिए। आप जानते कुछ नहीं है, आपको आता कुछ नहीं है और आपको चाहिए अर्निंग। काला कोट पहन लेने से अर्निंग थोड़ा हो जाएगा। काला कोट पहन के उसके बाद आपके अंदर क्या मैच्योरिटी आई है, उसके अंदर कितना डीप तक आप गए हैं,
आपके पास जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को आप संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं। बहुत ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो कोर्ट की संपूर्ण प्रक्रिया को जान रहे होते हैं और आप उनको बताने में ही अगर फेल्योर हो जाएंगे तो उसका इंटरनल वॉइस क्या कहेगा, कहेगा ये जो है एलिजिबल इसके लिए नहीं है, छोड़ो इनको। इस तरह से अगर आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपके पास संयम होना चाहिए और संयम होने के क्रम में आपको कम से कम 2 साल का टारगेट लेके चलना चाहिए। 2 साल आप गहन अध्ययन करें, अध्ययन से रुचि बढ़ाएं, केस का फॉर्मेटिंग सीखें, ड्राफ्टिंग सीखें, अप्लीकेशन राइटिंग सीखें, दरखास्त लिखना सीखें, ठीक है, जीरा का जो है वो सीखें, शब्द में बैलेंस बनाना सीखें। इन सारी बातों के बाद जो है आप अर्निंग का अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी का काम करेंगे तब तो अर्निंग मिलेगा ना। इसलिए मैं आपको सामान्य तौर पर एक आंसर एक शब्द में अगर देना हो तो मैं बता दूं कि एडवोकेट का कोई भी लिमिटेड अर्निंग नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है। एक दिन में आप 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, तो एक दिन में आप 0 भी कमा सकते हैं, 100 रुपया भी कमा सकते हैं, 200 रुपया भी कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, गहन अध्ययन करना। कम से कम ये 4-5 चीज़ है, फैमिली लॉ है, CRPC है, IPC है, एविडेंस लॉ है, इन सभी बातों का तत्कालिक आपको जानकारी बहुत अच्छा से होना चाहिए। और आप किसी भी सीनियर के अंडर हैं तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए और उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पे आप चलिए, निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे और सफलता के उच्चतम शिखर पर भी पहुंचेंगे। और बाद का समय ऐसा होगा कि आपको लेबर बहुत कम करना पड़ेगा, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैंने ऐसा देखा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर कोई इससे रिलेटेड सवाल हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए।